अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत हो? दोस्तों यकीन करो, आज मैं बहुत परेशान बैठा हूँ। परेशान यही मैं सोच रहा था कि यार ये बेचारे कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, और उनको तकरीबन 100वां दिन हो गया, 100 दिन हो गए, और उनके लिए अब बिल्कुल आवाज़ उठना बंद हो गई है, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। वो गरीब बेचारे लड़ के क्या मरते, वो तो भूख से मर रहे हैं, और काफ़ी बुरे हालात हैं। ना वहाँ इंटरनेट से रबता है, और ना ही वहाँ पे कर्फ्यू उठाया गया है। और जो उनका सफ़ीर बना था, उसने इमरान ख़ान ने कहा था कि मैं कश्मीरी आपका सफ़ीर हूँ, तो वो सफ़ीर जनाब करतारपुर राहदारी में मसरूफ़ है। और देखें, कितने यकीन करो, दुख की बात है कि कश्मीरियों के हवाले से इमरान खान, ये मौलाना फजल रहमान पे तो वो ताने मार रहे हैं कि तुम्हारी वजह से कश्मीर इशू बैक पे चला गया है। तो उनकी वजह से अगर कश्मीर इशू बैक पे चला गया है, तो करतारपुर राहदारी का इशू तो बैक पे तो नहीं गया? उसको तो आपने कर लिया है ना, उसकी तो आपने इतना धड़ल्ले से उनकी की है, उनकी फीसें माफ़ की हैं, उनके आपने पासपोर्ट के बगैर उनको आने दिया है, और आप कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वो बेचारे वाकई मर जाएंगे, बिल्कुल खाली ज़मीन का मसला हो जाएगा, वो मर जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, वो शिकवा भी नहीं कर सकते। वो इमरान खान साहब आपको शिकवा भी नहीं कर सकते। और आपने कितनी धड़ल्ले की तकरीरें जाके की थी, अक्वामे मुत्तहिदा में तकरीर की थी, या इधर आके तकरीरें करते हो, तकरीरें आप कर रहे हो, और उनके लिए अमली तौर पे आपने अभी एक एक कदम नहीं उठाया, अमली तौर पे एक कदम। बल्कि जो कश्मीरी मुजाहिदीन जो है ना, वो जो तैयार हो गए थे कि जी हमने खुद ही वहाँ पे जाना है बॉर्डर पे, और उनके साथ कश्मीरियों के साथ जाना है, और सारा वो अपीलें कर रहे थे, उनको भी आपने मना किया कि जो जाएगा वो पाकिस्तान का भी दुश्मन होगा। ये आपने कहा था कि जो भी कश्मीर में जाएगा वो पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा। अच्छा, वो नहीं जा रहे तो आप तो कुछ करो, अब तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हो। और कितने दुख की बात है कि करतारपुर राहदारी पे मोदी ने इमरान खान को मुबारकबाद का पैगाम दिया है। आप देख लें उनके वो उसने वो तो मोदी का वीडियो निकाल के देख लें, मोदी उसको मुबारकबाद का पैगाम दे रहा है। शर्म की बात है यकीन करो, और रोने वाली बात है कि अब कश्मीरियों का मसला पे कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा दोस्तों, कोई भी नहीं बोल रहा। मुस्लिम लीग नून को अपनी बीमारियों की वजह से परेशानी है, पीपल्स पार्टी खामोश है। बोलना तो इसके ऊपर हुकूमत नहीं था, तो हुकूमत बिल्कुल ऐसे कश्मीरियों को भूल गई है कि जैसे कोई मसला ही नहीं था। कश्मीरियों का मुतनाज़ हसीयत जो है वो शुरू से जो चली आ रही थी 1947 से, वो ख़त्म कर दी गई है, आइन में तब्दीली कर दी गई है। ना तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, जिसका ऐलान किया था कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ICA में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जाएंगे, वहाँ भी नहीं गए, यहाँ भी मसला ख़त्म। तो कश्मीरी बेचारे मरेंगे मरेंगे, वो मर रहे हैं, मर रहे हैं, वो मरेंगे, वो क्या कर सकते हैं अब इनको, उनका क्या हाल है, क्या हाल है? इमरान खान, खुदा के लिए कुछ करो। अब आपको ताने मिल रहे हैं कि एक न्याजी ने बांग्लादेश दिया था और दूसरे ने कश्मीर दे दिया, तो अब कश्मीर का जो तुम सफीर बने हो, तो क्या अब क्या अगला लाए अमल है? वो जो एक दो जुमे वाले दिन आपने 20-20 मिनट के एहतजाज करवाए थे, अब वो भी ख़त्म हो गए। क्या मसले हल हो गए जो आप खामोश हो गए? आपको खुद पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्कों में जाना चाहिए था, मजबूर करना चाहिए था। अब तक वो जो है ना, उसके मोदी के ऊपर और भारत के ऊपर सेंक्शंस लग जानी चाहिए थी कि वहाँ इंसानों को कत्लेआम हो रहा है, इंसानों को भूख से मर रहे हैं, और इंसानियत सिसक रही है, लाशें को उठाने वाला कोई नहीं है, कब्रिस्तान में लेके जाने वाला नहीं है, और आपको मोदी ने मुबारकबाद दी है। तो इसका मतलब है कि जो आपको ये ताने मिल रहे थे, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि ये कश्मीर पे कोई जंग नहीं होगी, और इमरान खान जो है ना वो सौदा करके आया है ट्रंप
मोदी और इमरान खान, ये तीन फरीक हैं, इन्होंने सब कुछ बेच दिया है, सारा कुछ हो गया है। तो अब हालात तो यही बता रहे हैं कि वाकई ये बात फिर ठीक है, ये ठीक है, फिर सौदा हो चुका है, जो आप भी खामोश हो गए हैं। आपके खामोशी की वजह मैं जान सकता हूँ क्या है? कोई मसला हल हो गया है, कर्फ्यू उठ गया है, कोई जो आइन में उन्होंने तब्दीली कर दी थी वो वापस ले लिए, आप फिर क्यों खामोश हो? ये कौम को बताओ कि आप क्यों खामोश हो, कौम को बताओ, कश्मीरियों को बताओ। कश्मीरी बेचारे तो आपसे शिकवा भी नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें।